हम यहाँ पर तहसील पूर्णपुर में जिला पीलीभीत में उस मंदिर के भोले बाबा के मंदिर में खड़े हैं। हमारे साथ खड़े हैं वहाँ के राम बहादुर जी, वो आपको इस मंदिर के बारे में पूरा बताएंगे। हाँ जी नमस्कार जी, पूरा बताएं गुरु जी उधर देखिए। मैं एक सोसाइटी में चौकीदार हूँ। ठीक है जी, 25 साल पहले मैं इस जंगल में गया था किसी काम से, ठीक है जी। तो वहाँ पे एक पेड़ से मैं गिर गया। अच्छा जी, ठीक तो उसी पीरियड में मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिए है जी। और उन्हीं की भूमिका रही, आज तक मैं 3 दफ़ा उन्होंने दर्शनार्थ किए हैं ठीक, हनुमान जी ने, ठीक हनुमान जी ने। है जी। इसे मैंने 27 फरवरी 27 मार्च 1916 में मुझे उन्होंने अधिकार दिया, बोले जाओ तुम इसको प्रातः 4 बजे तक अगर इस काम को पूरा कर देते हो हाँ जी, हाँ जी, तो ये मंदिर स्वीकृत हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमने फिर कुछ लोगों से मदद ली, उन लोगों ने हमारी मदद की और वो कार, हमारे पास कोई सामग्री नहीं थी, हनुमान जी की कुछ कृपा ऐसी हुई कि वो सामग्री रात के 2 बजे से इकट्ठी करना शुरू किया। 4:15 बजे हमने ये काम यहाँ समापन कर दिया। ठीक है जी, फिर सो गए जाके। तब हनुमान जी ने फिर हमको दर्शन करके बोले तुम्हारा मंदिर स्वीकृत हो गया है, अब ठीक इसे कोई रोकने वाला नहीं। है जी, ठीक हम उसी विश्वास पे आज भी जागरूक हैं और उसी लगन से हम काम कर रहे हैं और मालिक जो भी करता है अच्छा करता है। ये बहुत बड़ी शक्ति है, जहाँ पर इनको साक्षात हनुमान जी बजरंगबली महाराज ने दर्शन दिए और उन्होंने पावर दी और उन्होंने रास्ता बताया खुद भगवान ने आकर, इसलिए ये पुरातन मंदिर है। इसको इस मंदिर के निर्माण कार्य में जो भी इंसान बाधा डालेगा वो उसको बहुत कष्ट होगा। हम तो अपने चैनल के माध्यम से यही निवेदन करते हैं कि कृपया आप सभी लोगों से कि इस मंदिर के जो भी कार सेवा चल रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दें और प्रभु की जो खुशियाँ प्राप्त करें। हम मिलते हैं आपको कुछ ही टाइम बाद।